नक्सलियों के विरुद्ध जारी अभियान में लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। झारखंड सरकार की उग्रवाद आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादी संगठन के सक्रिय नक्सली जितेंद्र नगेसिया उर्फ जितेंद्र किसान ने लातेहार एसपी अंजनी रंजन के समक्ष किया आत्मसमर्पण। एसपी अंजनी रंजन ने बताया कि जितेंद्र नगेसिया वर्ष 2018 के दिसंबर माह में माओवादी संगठन से जुड़ा और करीब 14 वर्षों तक माओवादी संगठन में सक्रिय उग्रवादी के रूप में जुड़ा रहा। इसी क्रम में जितेंद्र नगेसिया के द्वारा छिपा दोहर थाना, बारेसार थाना एवं महुआ डाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए घटनाओं में ये अपने संगठन की टीम के साथ शामिल रहा था। जितेंद्र नगेसिया के आत्मसमर्पण करने पर लातेहार डीसी हिमांशु मोहन, एसपी अंजनी अंजन समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। वहीं लातेहार डीसी हिमांशु मोहन ने बताया कि सरकार नक्सलियों के सही रास्ते में लाने को लेकर कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ नक्सलियों को उठाना चाहिए। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। कि बच्चों की पढ़ाई है वो सब इनको प्रदान किया जाएगा। ये हमारा ड्यूटी बनता है कि अगर कोई नक्सली से अब मुख्य धारा में आना चाह रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है, उनके लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन है, और हम और लोगों को ऐसे इनकरेज करें। इसके लिए हम हमारी तरफ से जो भी इनको सुविधाएं मिली है वो हम उनको मुहैया करेंगे। थैंक यू। और एक चीज़ मैं और एक हाँ सर जी ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक कल्चर ऑफ वायलेंस सोसाइटी में बन गया है, चाहे वो नक्सल के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से, हिस्ट्री की वजह से, किसी की वजह से रहा हूँ। तो जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स भी होती हैं उसमें हम देखते हैं कि लोग वसूली का एक आसान इनकम का जरिया उसको महसूस करके वहाँ से कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ बड़े पैमाने पर होने लगती है और आइडियोलॉजिकल होने लगती है और नक्सलिज्म में बदलने लगता है। तो इस कल्चर से हमें थोड़ा बाहर निकलना होगा। जो चीज़ आसान दिखती है शुरुआत में वो उतनी आसान है नहीं। आप लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर पुलिस प्रशासन के आप घेरे में आना शुरू कर देते हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान करता है। सरकार डेवलपमेंट के बहुत स्रोत मुहैया करा रही है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो हमको मेहनत करके आगे बढ़ना है। ये जितेंद्र नगेसिया जो गढ़वा के भंडरिया थाना का रहने वाला था, पिछले करीब 5 वर्षों से ये छोटू खेरवार और बूढ़ा पहाड़ के रास्ता के साथ जुड़ा हुआ था, और आज ये सरकार की जो सेंट्रल पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर के मुख्यधारा में जुड़ने का इन्होंने निर्णय लिया है, और मेरे और उपायुक्त महोदय के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इनके परिवार के जन भी आज आए हैं तो वो भी काफ़ी खुश हैं, और उनका मानना था कि जैसे जैसे जो ऑक्टोपस अभियान हमारा चला उसके पास से बूढ़ा पहाड़ के एरिया में किसी भी नक्सली या दस्ता या कोई एरिया कमांडर का रहना बहुत मुश्किल था, तो कहीं ना कहीं वो दबाव भी था, क्योंकि हम लोग लगातार ही अभियान चला रहे हैं। और दूसरे तरफ से एक जो मानवता पूर्वक हमारा अप्रोच रहता है, जिसमें पुलिस के पदाधिकारी अलग अलग स्रोतों से नक्सलियों पर अप्रोच करते हैं और उन्हें समझाते हैं, प्रभावित करते हैं, तो उसी क्रम में आज जितेंद्र नगेसिया ने आत्मसमर्पण किया और मुख्यधारा से जुड़े।